मऊगंज विधायक ने खड़े किए सवाल मिंद महोत्सव को लेकर। मऊगंज विधायक सुखेन सिंह बन्ना ने आगामी माह में होने वाले मिंद महोत्सव के समय पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक सुखेन सिंह का सवाल है, क्या जिम्मेदार लोगों को परिवार, जिसमें वो भी अपने को शामिल करते हैं, के घर के किसी सदस्य के साथ टीआरएस कॉलेज जैसी घटना घटती तो वो क्या करते, क्या तब भी ऐसे ही धूमधाम से आयोजन होता? साथ ही वो विंद के वरिष्ठ जनों को कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है, रीवा में विंद महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अभी टीआरएस कॉलेज में एक मासूम छात्र के ऊपर गोली चली, जिसके मुलजिम भी नहीं पकड़े गए, चिता भी ठंडी नहीं हुई और विंद महोत्सव मुजरा नाच गाना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अगर यही मंत्री के घर में कोई घटना घटती, भगवान करे ऐसा ना घटे, यही कलेक्टर के घर में घटती, ये एसपी के घर में घटती या और हमारे घर में घटती, तो शायद है कि ये होता कि किसी मतलब पावरफुल आदमी के घर में घटती, इसलिए आयोजन कैंसिल किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि संवेदना नाम की चीज होनी चाहिए, और संवेदना नहीं है। अब फिर इस समय पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा बिंद सूखे से ग्रसित है, सूखा ग्रस्त नहीं हो सकता, पेयजल से एक एक व्यक्ति जूझ रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। और तीसरी बात, ये बिंद का कार्यक्रम रखा गया है। बिंद के कार्यक्रम का क्या मतलब होता है? क्या एक जो है तो स्थानीय मंत्री के इशारे पर जो है तो कार्यक्रम किया जाए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए? अरे बिंद में और बड़े नेता हैं, राजमणि पटेल अभी सांसद बने, गणेश सिंह हैं वहाँ से, वहाँ सीधी जिले में हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल हैं, इंद्रजीत पटेल, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, उनको कहीं आमंत्रण भी नहीं मिला।